इसलिए जीवन में जब तुम्हें कुछ भी ना मिले तुम्हारी शक्ति से, तो हमारा मान लो आदिशक्ति माँ भगवती से मान लेना, वो सब कुछ देती है। संभालने की ताकत आप में चाहिए। लेकिन धनुष उठता कैसे भला? क्योंकि धनुष को तो शेषनाग ने पकड़ रखा था। क्यों तिवारी बाबू? जब दशरथ रोने लग जिस समय कोई धनुष नहीं उठाता है, टाइम हो गया राम जी रा। बज गए 5। पता नहीं लगता मुझे टाइम का, लोग बताते हैं। महाराज जनक रोने लगे हैं, अरे ध्यान देना, जिसके दरवाजे से बेटी की बारात वापस जाए उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है। महाराजा जनक ने संकल्प लिया था कि जो धनुष तोड़ेगा उससे विवाह करेंगे। किसी राजा ने आकर के उस धनुष को हिलाया तक नहीं है, रुदन कर रहे हैं कि मुझको ये मालूम होता तो ऐसी बसी नहीं होती, और करता यदि नहीं प्रतिज्ञा में तो जग में हंसी नहीं। अगर मैंने संकल्प नहीं हुआ था, संकल्प नहीं किया होता तो मुझे आज दुख नहीं देखना होता। और जाओ जाओ ए रजवासी वीरो, जाओ आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमको दिया विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधान। जाओ जाओ, तुम भी आज छोड़ दो सीता को पाने की। ऐसे लगता है कि मेरी सीता के विवाह ही नहीं लिखे। तो ध्यान देना, क्षत्रिय जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्षत्रिय का जो वर्ण है वो अगर नीचे सोया होगा ना कफन पे और नाक पे मक्खी आ जाएगी तो क्या मारूंगा तुझे पहले। आज रघुवंशी वीर है यहाँ पर, अयोध्या के क्षत्रिय बैठे हैं। लक्ष्मण जी को ये चीज सहन नहीं हुई कि क्षत्रियों को बैठते हुए भी आपने पृथ्वी को वीरों से हीन कैसे बता दिया। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है। कह रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है, और ये शब्द वज्र सा लगता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक क्या बात कर रहे हो, यहाँ क्षत्रिय बैठे हैं, रघुवंशी बैठे हैं, आप कहते हो पृथ्वी वीरों से खाली है, बड़े सुकुमार है। और इतने नहीं, जल को थल कर दूं, थल को जल लाऊं, उतार के तारों को, जल को थल कर दूं, थल को जल लाऊं, उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालू मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। इतनी ताकत है मुझ में, और आप कह रहे हो कि यहां वीरों से हीन है पृथ्वी। फिर धनुष पुराना घिसा पिसा, जब मुझ में इतनी ताकत है तो फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, और सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना तो बल उंगली में है। लक्ष्मण जी ने उंगली उठा दी है, और जब इस माहौल को विश्वामित्र ने देखा, मेरे मित्रों ये उसी दिन से उंगली पूजा में निषेध है, क्योंकि ये कभी दो काम के लिए उठती है, किसी के बुराई के लिए या फिर अहंकार के प्रतीक मानी गई। इसलिए इस उंगली की कभी उपयोगिता पूजा पाठ परमार्थ में नहीं, माल लेने में होगा लेकिन माला जपने में नहीं हो सकता। यह अहंकार का प्रतीक माना गया है। यह उंगलियों सब अलग है, कर्णिका अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुष्ठा, इनके अलग अलग काम है। और जब इनका यह माहौल देखिया तो विश्वामित्र ने कहा, उठहु राम बंजहु भव चापु मेट
भेंट हो जाय जनक बिसा। जाओ, तुम्हारे होते हुए ये संभव नहीं है, धनुष को तोड़ दो और विवाह। भगवान ने धनुष को तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया है, जनकपुर की सारी सखियों के आंख में आंसू नहीं महाराज, निराशा भरा हुआ है। इतने बड़े बड़े राजाओं से जब एक पल एक तिल के बराबर कोई नहीं हिला सका तो ये छोटे छोटे सुकुमार कैसे होंगे? क्योंकि यहां विषय आस्था का है, विषय समर्पण का है। और लक्ष्मण जी ने इसी पैरों से अपने शेषनाग ने अंगूठे से पृथ्वी को दबा दिया है, सिंहों दिशाओं में, दिग्गज दिशाओं में, सिंहों दिशाओं में, दिग्गज दिशाओं में, राजत गोपाओं वहीं स्थिर रहना। सिंहों दिशाओं में, दिग्गज दिशाओं में, दिग्गज दिशाओं में वहीं स्थिर रहना, वहीं पैर से धरती को दबा दिया और कहा महाराज अब धनुष को छोड़ देना, आज हमारे मान की बात है, क्योंकि आज हमारे भगवान जनकपुर में कुछ लीला करने जा रहे हैं और आज ये मर्यादित हो गया, अगर ये क्रिया नहीं हुई तो तीन जगह भगवान झूठे हो जाएंगे। पहला देवऋषि नारद का दिया हुआ श्राप झूठा हो जाएगा, दूसरा माँ गौरी का दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा, और तीसरा जानकी का अपार स्नेह, इतनी जीवात्मा का प्रीति परमात्मा पे महाराज, अगर ये टूट जाएगी तो सृष्टि से प्रेम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पैर से दबा दिया और शेषनाग से कहा महाधनुष। और जैसे ही भगवान राम ने धनुष को छुआ है, उठाते ही अपने आप ही देखते ही टूट हो गया महाराज धनुष, अपने आप टूट गया और आकाश मार्ग से लोग चर्चा करने लगे। करने लगे सभी जय दशरथ कुमार की, जय रामचंद्र आपकी, जय जय हो जानकी। सारे लोग स्तुति करते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं और भाव से कहते हैं
रघुनंदन श्री राम को दशरथ राजकुमार को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। रघुनंदन सिया राम को दशरथ राजकुमार को बारंबार प्रणाम है, 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 बारंबार। एक बार बोली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान राम ने धनुष का भंजन किया है और जैसे ही धनुष टूटने की आवाज परशुराम जी के कानों में पहुंच जाती है, परशुराम जी को क्रोध आता है और भाग करके आते हैं, पहुंचते, अरे इस धनुष को किसने तोड़ा, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है बताओ अति शीघ्र। भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते, नाथ संबुधन भंजनिहारा वही यही को एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आय सुकाह कही अकन मोही सुन रिसाय बोले मुनि गोहि। भगवान राम ने कहा, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, बताओ मेरे लिए क्या आदेश है, क्या सेवा करूं। परशुराम जी को क्रोध आया, कहता है वाह, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वो है जो सेवा करे, बार बार लड़ाई करे वो सेवक नहीं हो सकता, ऐसा कर्म करे जिससे लड़ाई हो वो सेवक नहीं हो सकता। और सुनो राम कि सुनहु राम जे शिव धन तोरा साहस बाहु सम सोरिपु मोरा। राम सुनो, जिसने धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव विहाय समाजा नत मारे जे ये सब। जिसने ये धनुष तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक के कारण सारे राजाओं की मृत्यु होगी। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अब बोले परसु धरहि अप, व्यंग भाषा में मुस्कान करते हैं ना कोई, लक्ष्मण जी मंद मुस्कान करते हुए परसमान जी परशुराम जी की तरफ अपमानित होने जैसा, जैसे हसिया भंग लग जाती है, व्यंग होती है ना, हंसने हंसने के 13 प्रकार हैं।